Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए यार, बस सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ना दबाओगे तो भी चलेगा, ओके? So आज मैं आपके लिए लाया हूँ थर्ड पार्ट हमारे सीरीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही. इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है, जहाँ हमने बेसिक्स जाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और सॉल्यूशन फाइंड किए थे, मतलब रूट्स निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, ओके? सो ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है पहले तो वो जानेंगे, ओके? और उससे हमें आखिर मालूम क्या होता है इक्वेशन में. अब समझ लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ हो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये क्या है? ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा. तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, यहाँ पे ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ये इक्वेशन का वैल्यू अगर लेस देन जीरो, मोर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आया तो ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है. क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्या, इसमें x के कितने वैल्यूज मिलते हैं? दो मिलते हैं ना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना, x के दो वैल्यू मिलते हैं, तो वो दोनों वैल्यू क्या होंगे ये इक्वेशन हमें बताता है, ठीक है? इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ओके? इट इज आइदर डिनोटेड बाई डेल्टा और डी, ओके? सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ओके? तो अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हुआ तो जो ये रूट्स मिलेंगे हमें, एक्स के जो दो वैल्यूज मिलते हैं वो क्या होते हैं? या तो सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस थ्री प्लस थ्री, या फिर डिफरेंट होते हैं, दैट इज प्लस थ्री हो गया, एक हो गया प्लस फोर, राइट? तो सेम कब होंगे, अलग कब होंगे, और हमें कब रूट्स मिलेगा ही नहीं, मतलब रियल नंबर कब मिलेगा नहीं. तो रियल नंबर कब नहीं मिलेगा? जब हमें ये इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब जीरो होगा, तो समझ लीजिए वी डोंट हैव एनी रियल रूट्स, ओके? नो रियल रूट्स. कब? जब लेस देन जीरो हो, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका वैल्यू हमें पता ही नहीं चलेगा एक्स का वैल्यू क्या है, ओके? वो या तो रूट में आएगा या इमेजिनरी होगा. वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अनरियल रूट्स, ओके? सो देयरफॉर हम बोलेंगे क्या इसको, कि इसमें रियल रूट नहीं है. अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब ये इक्वेशन जीरो से इक्वल होगा, मतलब रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, और वो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट सेम ही होंगे. एक्स का वैल्यू दो आता है ना, समझ लो यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ, तो दोनों सेम होगा, मतलब एक टू आया तो दूसरा भी टू, एक थ्री आया तो दूसरा भी थ्री, एक वन आया है तो दूसरा भी वन. ये हम एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ समझ लीजिए ये कब वैलिड है, जब ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो है, तब हमारा कितना रूट्स होगा? टू रियल रूट्स एंड दे आर आल्सो इक्वल. अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इफ इट इज मोर देन जीरो, देन वी हैव टू रियल रूट्स, बट दे आर व्हाट? दे आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब एक दो होगा तो एक तीन, सेम नहीं होगा, ओके? एक फोर होगा तो एक फाइव होगा, एक माइनस वन होगा तो फोर होगा, समथिंग लाइक दिस. These are equal, they are same, but these are distinct, they are not same. Okay? So ये आपको याद रखना है, okay? यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, अगर delta is less than zero है, delta more than zero है, या delta equal to zero है. यहाँ delta क्या represent कर रहा है? It means b square minus 4ac. Discriminant बोलते हैं इसको. Less than zero है तो no real roots, roots ही नहीं मिलेंगे उसके. मोर देन जीरो है मतलब टू रूट्स, टू रियल रूट्स, एंड दे आर डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से अलग होंगे. और अगर इक्वल टू जीरो है तो टू
रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रूट्स होंगे और वो दोनों इक्वल भी होंगे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं करूं तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x² - 4x + 3 = 0। तो पहले हम इसको ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी और सी क्या है, तो ए है 2, बी है -4 और सी है 3। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पता लगाते हैं क्या होगा, तो b के बदले है -4, तो 4² - 4² 4, a के बदले है 2 और c के बदले है 3। सो 4 4 = 16 होता है, -4 2 = 3 = 24। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, और -8 जीरो से कम है, मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, नहीं होंगे, देयर वोंट बी एनी रियल रूट्स, है ना। चेक कर सकते हो कैसे, देखो मैंने कल ही बताया था लास्ट वीडियो में, 3 2 = 6 है इधर और यहाँ पे -4। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो ये है और ऐड करे तो ये। तो देखो दो रियल रूट्स मिलेंगे क्या, कोई दो नहीं मिलेगा, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि जब भी जीरो से कम वैल्यू आएगा देयर वोंट बी एनी रियल रूट्स। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसका देखते हैं b² - 4ac क्या होता है। पहले तो a लिख लीजिए, 2 है, b है हमारा -5 और c है 3। सो इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये d है, d माने डिस्क्रिमिनेंट, तो b के बदले -5² है, b स्क्वायर के बदले 4, a के बदले 2 है और c के बदले 3 है। सो ये आता है 25 और ये 4 2 = 8 8 3 = 24, कितना आया 1। 1 क्या होता है, 0 से ज्यादा है, मींस इट इज मोर देन 0। तो जब ऐसा होगा मतलब क्या है, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स एंड दे आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी होंगे मतलब अलग होंगे, है ना। चेक कर लेते हैं, देखिए ये 3 2 कितना होता है 6 और हमें चाहिए -5, तो दो नंबर क्या होंगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 है और ऐड करे तो -5। सो आई थिंक इट इज -3 और -2, है ना। तो देखो दो रूट्स मिले हैं, 3 और 2 मिलेंगे हमें जब सॉल्व करेंगे हम इसको। तो मतलब क्या है, ये है रूट्स, राइट, दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, सेम नहीं है। समझ में आ रहा है, वो कब होगा जब हमारा ये इक्वेशन मोर देन जीरो होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ द क्वेश्चन इज, लेट मी राइट इट एज x² - 2x - 3 = 0। यहाँ पे a क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब इट इज 1, b है -2 और c है -3। तो b² - 4ac में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, -2² - 4 a - -3। सो ये तो आ जाएगा 2 2 = 4 आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस तो प्लस, एंड 4 3 = 12। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, 16 मिल रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो मोर देन जीरो, मतलब ये भी रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, क्योंकि मोर देन जीरो है। ओके तो और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं लिखा ये क्वेश्चन है x² + 2x + 1 = 0। तो इसको चेक करते हैं, a 1 है यहाँ पे, b 2 है और c क्या है 1। जब हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे b² - 4ac, अब देखते हैं b है 2² - 4 * a कितना है 1, c भी है 1, तो 4 - 4 = 0 है। तो देखो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल भी होंगे मतलब रूट्स तो मिलेंगे ही और इक्वल भी होंगे मतलब दोनों के दोनों सेम होंगे। आप चेक कर सकते हो, यहाँ 1 1 है तो 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से, तो 1 1 = 1 आता है और 1 + 1 = 2। तो देखो यहीं पे पता चल गया कि दोनों के दोनों सेम आएंगे, मतलब जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 - 1 आता, राइट। तो मतलब हमारे रूट्स क्या है, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि चेक द नेचर ऑफ रूट्स. फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन दे दिया रहेगा 2x² - 4x + 3 = 0 और पूछा जाएगा चेक द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट तो जब भी ये नेचर ऑफ रूट्स है या डिस्क्रिमिनेंट है तो आपको यही b² - 4ac ही यूज करना है. नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चल रहा है, लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, इक्वल टू जीरो. लेस देन है मतलब नो रूट्स, नो रियल रूट्स. मोर देन मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और इक्वल मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स. ये आपको याद रखने हैं, ठीक है. और डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे फाइंड करेंगे तो यही फॉर्मूला है. डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से ही. ओके सो ये आप एज ए एक्सरसाइज होमवर्क ले लो, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है. अगर आया है देन इट्स गुड, आप प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे. ओके सो आने वाले वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ओके उनको सॉल्व करूंगा. वो या तो एमसीक्यू हो सकता है या 1 मार्क हो सकता है, 2, 3, अगर 4 मार्क के हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे. ओके सो अगर वो देखना है आपको तो फर्स्ट ये तीनों वीडियोज देख लीजिए, ये है और इसके पहले 2 हैं, वो आप देख लो, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. देन वो वीडियो आप देखोगे तो साथ में आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, अच्छा नॉलेज भी मिलेगा आपको और साथ साथ प्रिपरेशन भी हो जाएगा. ओके सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय, सीखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए. ओके सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.